हाय एंड वेलकम टू फ्यूचर इंडिया एकेडमी। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे इंसर्ट पिक्चर, और पिक्चर इस तरीके से इंसर्ट करना है कि जब हम कोई भी डाटा फिल्टर करें या कोई भी रो हाइड करें तो फोटोज एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक डाटा सेट है हमारे पास, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट की लिस्ट है, और साथ में हमने उस कैंडिडेट या पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का फोटो इंसर्ट कर रखा है पर्टिकुलर सेल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर कोई फिल्टर करता हूँ, मैं अब देखें कि यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर यहाँ भी है और सेफ्टी ऑफिसर रो नंबर 5 में भी है, तो यहाँ से मैं सेफ्टी ऑफिसर फिल्टर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर के साथ साथ फोटोज भी फिल्टर हो रहे हैं, यानी कोई भी फोटोज एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से फिल्टर को कैंसिल करूँगा, यहाँ से मैं बीच का रो हाइड करता हूँ। अभी आपने देखा, अभी भी हाइड करने के बाद भी एक फोटो दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगेन मैं एक हाइड करूँगा, अभी आपने देखा कि कोई भी फोटो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, और अगर वो फंक्शन हमने अप्लाई नहीं किया तो नॉर्मल किस तरीके से ये ओवरलैप होता है दूसरे पर, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ से मैं चीज़ें अनहाइड करूँगा सबसे पहले, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हम इस डाटा सेट पर करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ इमेज इंसर्ट कर लेंगे, ये 4 इमेजेस हैं और वन बाय वन हम इसको फिट करेंगे दूसरे पर, तो रिसाइज करेंगे। नॉर्मली फोटो इस तरीके से प्लेस करी और कंट्रोल या फिर शिफ्ट का बटन दबाते हुए माउस को ऊपर की जाने ड्रैग करें। ये साइज इस सेल को परफेक्ट बैठता, यहाँ पर आपने फोटो सेट कर दी। इसी तरीके से इस फोटो को भी आप सेट कर लीजिए, शिफ्ट होल्ड करिए, माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करिए और इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। इसी तरीके से इसको भी यहाँ फोटो को सेट करिए और नीचे कॉर्नर से माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करिए ताकि वो सेल में परफेक्ट फिट हो जाए। आप इसको सेंटर में लेकर के आ जाइए इस तरीके से। इसी तरीके से इस फोटो को भी आप प्लेस करिए यहाँ पर, कॉर्नर से शिफ्ट होल्ड करते हुए माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप ये देखें आपके जो फोटोज थे वो सेल के अंदर फिट हो गए। अभी देखते हैं कि शीट नंबर 2 में जो डाटा है, अगर मैं फिल्टर करता हूँ लाइक है तो फोटो यहाँ एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। अब शीट 2 में देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल का बटन प्रेस करने से आप फिल्टर का ऑप्शन ला सकते हैं अपने डाटा पर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पर मैं एक नेम चेंज करता हूँ, यहाँ थोड़ा फर्क है। पहले फिल्टर क्लियर कर लेंगे, इन नेम एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर मैं सेफ्टी ऑफिसर को यहाँ पर फिल्टर करता हूँ और यहाँ पे ज़ियाउर मुस्तफ़ा का जो डिजिग्नेशन है इसको आप HR मैनेजर मेंशन करें। अब यहाँ पर 3 डिजिग्नेशन, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, HR मैनेजर, अगेन यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर रिपीट हो रहा है। तो मैं सेफ्टी ऑफिसर को फिल्टर करके देखूँगा, सेफ्टी ऑफिसर को फिल्टर किया आपने, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, राइट। चलिए फिल्टर क्लियर करेंगे। मैं डाटा या कोई भी रो को हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रो नंबर 2, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। चलिए मैं इसको हाइड करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। चलिए हम यहाँ से फिल्टर को या जो चीज़ें हमने हाइड की है उसको अनहाइड करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर फोटोज या वो फंक्शन काम कर रहा है उसी तरीके से यहाँ भी काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखेंगे। इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और जाइए फॉर्मेट पिक्चर में। फॉर्मेट पिक्चर में जाने के बाद ये जाएंगे यहाँ पर, ये ऑप्शन देते हैं प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एक कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है जो हमें सेलेक्ट करना है वो है मूव एंड साइज विद सेल, यहाँ पर सेलेक्ट किए एंड क्लोज। इसी तरीके से दूसरे फोटो को भी फॉर्मेट पिक्चर, और यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज और यहाँ पर मूव एंड साइज विद सेल, सेलेक्ट करने के बाद क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ अगेन फॉर्मेट पिक्चर और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये ऑप्शन मूव एंड साइज विद सेल।
सेलेक्ट करने के बाद क्लोज करेंगे। इसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है। सिंपली प्रॉपर्टीज में जाएं, मूव एंड साइज विद सेट एंड नाउ यू आर डन। अभी देखेंगे अगर मैं अगर फिल्टर करता हूँ यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर फिल्टर किया तो भी आप देख रहे हैं कि कोई भी फोटोज एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। अभी फिल्टर यहाँ से क्लियर करूंगा, हाइड करके भी मैं आपको बताऊंगा कि फोटोज एक दूसरे पर ओवरलैप होता है या नहीं होता है। फिर चलिए यहाँ से दो फोटोज को राइट क्लिक करके हाइड करता हूँ। तो यहाँ भी देखा आपने, हाइड करने के बावजूद भी कोई फोटो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। चलिए हाइड को कैंसिल करेंगे। सिंपली ऑल सेलेक्ट करने के बाद किसी रो पे राइट क्लिक करिए और अनहाइड कर दीजिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इसे सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्यूचर इंडिया अकेडमी।